हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों का बच्चों की जब हम साइकिल खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मोस्टली हमारे यहां पे जो कस्टमर है वो बच्चों ही जो बाइक्स लेने आते हैं जहाँ कोई किसी को गिफ्ट देना होता है जो अपने बच्चे के लिए तो वो काफ़ी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं कि बाइक्स बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए मोस्टली लोग बात करते हैं जी कलर है टोकरी है साइड व्हील है ट्रेनर व्हील है बैक रेस्ट है ये बातों की बातें करते हैं लेकिन जब बच्चों की अपने साइकिल लेनी है कि बच्चे के लिए तो बच्चे के लिए परफेक्ट साइज हम कैसे पता करेंगे कि बच्चों की परफेक्ट साइज कौन सा होता है अभी आप जैसे हम जहाँ पे देख रहे हैं जब बी एस ए की साइकिलें वो बी एस ए कैप्टन जॉक है उसका व्हील साइज बारह इंची है आगे बी एस ए गो बाइकिंग है इसका व्हील साइज चौदह इंची है जय बी एस ए किंडर है इसका भी व्हील साइज चौदह इंची है जय बी एस ए किंडर सोलह इंची में है बी एस ए पेट्रोल है और बी एस ए गो ये तीनों साइकिल सोलह इंची व्हील साइज है और जे है बी एस ए गो बाइकिंग और श्विन का पिस्टन जो दोनों बिल साइज ट्वेंटी टीथ है तो इसमें हम बच्चों की एज कैटेगरी भी पता चल जाती है कि बच्चे की एज कैटेगरी से कौन सा साइकिल लेना चाहिए लेकिन जो एज है ये परफेक्ट रीज़न नहीं है कि एक बच्चे की तीन से चार साल एज है तो उसे बारह इंची ले दें अगर बच्चे की एज पाँच से छः साल है तो चौदह इंची ले दें या चार से आठ साल है तो सोलह इंची ले दें या सात साल से ले तो दस या बारह साल का बच्चा है तो उसे बीस इंची या चौबीस इंची साइकिल ले दें तो एज ठीक है बट ये परफेक्ट रीज़न नहीं है कि इसी एज पे हमें साइकिल चाहिए कोई बच्चे एक रेगुलर राइडर होते हैं जो नॉर्मल राइडर होते हैं एक एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं तो व्हील साइज़ सेम हो सकता है साइकिल का बट उनके जो फ्रेम साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किसी का फ्रेम साइज़ डोन है किसी का ऊपर है तो हमें बच्चे की सबसे पहले क्या हम बच्चे की लेंगे इनसीम जो इनसीम होती है जैसे हम जय खड़े हैं बीच से लेके जो जय वाला पोर्शन है जय इनसीम है तो आप बच्चे की इनसीम नोट कर लें ठीक है और और साइकिल की हाइट पे तो इन बातों का मैं एक्सप्लेन करूंगा तो दोस्तों बच्चे के लिए राइट बाइक कैसे लेते हैं इन सेम मेजरमेंट करनी होती है और सीट हाइट की मेजरमेंट करनी होती है अब इन सेम जो मैंने आपको बताया था मैं एक जुगाड़ कर रहा हूँ जो हर कोई इंडियन करता है तो जे में है फ्लोर पंप फ्लोर पंप के मैं, मैं जहाँ पे खड़ा हो गया हूँ ठीक है और मैंने इसको ऊपर तक ले लिया जहाँ तक जे मेरा टच कर रहा है तो जे वाला जो पोर्शन ऊपर वाला है जे इन सेम है फ्लोर से लेके जे वाला तो इसकी हम हाइट नोट कर लेंगे जहाँ पे तो ये है हमारा इनसेम निकालने का मेथड ठीक है आप बाल के साथ भी खड़े हो सकते हैं तो जिन आप नोट कर लें बच्चे की कितनी आती है तो राइट साइज बाइक का लेने के लिए हमें एक इन सेम चाहिए और क्या चाहिए दूसरा दूसरा हमें चाहिए सीट हाइट सीट हाइट क्या है जे साइकिल है जी और जे सैडल हाइट है इसको हमने बिल्कुल डाउन कर लिया है तो हम इसे भी नाप लेंगे जहाँ तक राइट साइज बाइक का जो बच्चे के लिए लेना है इन सेम और सीट हाइट जे मिला लेंगे तो परफेक्ट साइज आ जाता है तो जैसे भी मैंने आपको बताया है चाइल्ड की जो परफेक्ट साइज़ है वो इन सेम और सीट हाइट पे डिपेंड करता है एक होता है जी इसमें व्हील साइज अब जो हमारे पास ट्वेंटी टीथ बिल साइज के दो साइकिल लगे हैं एक बी एस ए का लगा है स्पीड एक्स और एक बी एस ए गो बाइकिंग है दोनों के जो ब्ल साइज हैं जो सेम है बट अब बात हम नोट करेंगे इसका जो फ्रेम की हाइट है जहाँ सीट हाइट बोल दें जे छोटी है और इसकी जो सीट हाइट है ग्राउंड फ्लोर से ये बड़ी है व्हील साइज सेम है तो अब हम कहेंगे भी सात से आठ साल का बच्चा चला लेता है लेकिन क्या होता है हर एक बच्चे की अपनी एक एबिलिटी होती है एक नॉर्मल राइड होता है एक मीडियम राइडर होता है और एक एक्सपीरियंस राइडर होता है तो बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है तो जो तो एक्सपीरियंस्ड राइडर है बहुत तो हाइट वाला भी चला लेगा जिसकी नॉर्मल जहाँ मीडिएटर राइडर है तो उसके लिए फ्रेम साइज़ छोटा होना दोस्तों अब हमारे पास डैमो के लिए कोई बच्चा अवेलेबल तो नहीं है तो मैं ही एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ लेकिन मैंने साइकिल बड़ा लिया है मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट देना कि बच परफेक्ट जो बाइक साइज़ है बच्चे का कैसे होता है तो मैंने आपको बताया एक बच व्हील साइज़ सेम हो सकता है लेकिन फ्रेम की जो साइज़ की हाइट है वो अलग अलग हो सकती है तो वैसे ही जो एक बच्चा हमारा राइडर है वो नॉर्मल राइडर है मीडिएटर राइडर है या एक्सपीरियंस राइडर है हर एक बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है तो जो बच्चा नॉर्मल और मीडिएटर राइडर होगा उसको जो हमने सीट हाइट ग्राउंड फ्लोर से रखनी है वो कितनी रखनी है जैसे जे मैंने रखी हुई है अब मैं साइकिल पे बैठ गया हूँ अब नोट करोगे मेरे दोनों जो पाँव है ग्राउंड फ्लोर पे जे फ्लैट फीट मेरे टच हुए हैं इससे जो नॉर्मल और मीडिएटर राइडर होता है वो जब भी बाइक चलाता है तो वो गिरता नहीं है उसका बैलेंस हो जाता है अब बात आती है एक्सपीरियंस राइडर की एक्सपीरियंस जो राइडर होता है उसकी सीट हाइट हम थोड़ी सी ऊपर कर दें या फ्रेम साइज उसे बढ़ा ले दें तो जे मैंने सेम साइकिल की सीट हाइट कर दी है अब देखो जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे टिप जो है टो के वो ग्राउंड पे टच हो रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस राइडर है वो इस पर भी चला लेते हैं क्योंकि उनकी जो राइड की कैपेसिटी है वो बढ़िया है तो ये चीज़ होती है जब भी हम बच्चे की परफेक्ट साइज़ की बाइक लें तो सेम बिल साइज़ के हमारे पास दो साइकिल है व्हील साइज इसका भी सेम है और इस साइकिल का भी व्हील साइज सेम है अब इसमें ट्रेनर व्हील लगे हैं और इसमें ट्रेनर व्हील नहीं है तो जिसमें ट्रेनर व्हील लगे होते हैं नेचुरली वो फॉर नॉर्मल या मीडिएट राइडर होते हैं जो ट्रेन नहीं है खुद चला नहीं सकते तो उनको ट्रेनर व्हील हेल्प करते हैं चलने के लिए अब जो जो ट्रेनर व्हील है जब बच्चे को ग्राउंड से एक आधा इंच थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए जैसे ही बच्चा इसे राइट साइड पर टर्न करेगा तो ये ट्रेनर व्हील ग्राउंड पे टच होगा और दूसरे वाला ट्रेनर व्हील उठ जाता है और मेन जो हमारा टायर का टायर है वो ग्राउंड पे टच रहता है और साइकिल चलता है जैसे बच्चा इसे लेफ्ट साइड करता है तो जे वाला उठ जाता है वो टच होता तो ट्रेनर व्हील नॉर्मल जो बच्चे राइडर हैं उनको हेल्प करते हैं साइकिल चलाने के लिए फ्रेंड्स जे मैंने आज का टॉपिक था बच्चों की परफेक्ट साइज़ जब हम बाइक लें तो क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी है तो उसके बाद आप बच्चे की पसंद का साइकिल उसका कलर कैसा चाहिए उसका नेचर क्या है राइड का उसे ट्रेनर व्हील चाहिए कि नहीं चाहिए छोटा बच्चा है दो तीन साल का उसको टोकरी चाहिए नहीं चाहिए एक चीज़ और मोस्टली हमारे जो कम्युनिटी है वो पता कहें कि बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है तो उसके लिए ना वो जूट से बड़ा साइकिल ले लेते हैं और बड़ा साइकिल लेने का मतलब नहीं बनता कि बच्चा उसे सही टाइम पे सीख नहीं पाता है अगर आपका बच्चा तीन चार साल का है उसका बिल साइज बारह इंची हो सकता है यदि वो एक्सपीरियंस राइडर है तो वो चौदह इंची भी बिल साइज चला लेता है अगर आप उसको बीस इंची टायर लेके देंगे बिल साइज तो वो उसके लिए रिस्क उसको चोट लगने का डर होता है गिरने का डर होता है क्योंकि वो परफेक्ट साइज़ नहीं है बच्चे का तो इन बच्चों का इन बातों का ध्यान रखें और बच्चे के लिए परफेक्ट साइज की बाइक लें अगर आपको कोई और पॉइंट चाहिए होंगे जहाँ डाउट क्लियर ना होगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें थैंक यू नमस्ते सत श्रीकाल सलाम आदाब मेरा नाम बलविंदर सिंह गोल्डी फ्रॉम हरभजन सिंह एंड जम्मू से